दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा है। दांतों की वजह से ही हम खाने वाली चीज़ों को इजीली चबाकर खा पाते हैं। यदि आपके दांतों की फॉर्मेशन ठीक नहीं है या जबड़े का शेप सही ना होने की वजह से आपको खाना चबाने में या मुंह बंद करने में दिक्कत होती है तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर गिफ्टी मेहता और आज हम बात करेंगे टेढ़े मेढ़े दांतों के बारे में। कुछ लोगों के दांत बहुत सुंदर होते हैं, एक अलाइनमेंट में होते हैं, वहीं कुछ लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा बाहर हो सकते हैं या थोड़ा अंदर भी हो सकते हैं। इस तरह की बनावट को हम मैलक्लूजन कहते हैं। मैलक्लूजन आपको बहुत सारे टाइप्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि ओपन बाइट, डीप बाइट, ओवरजेट, क्राउडिंग, स्पेसिंग, डायस्टेमा, प्रोक्लाइन टीथ, प्रोट्रूडेड टीथ, क्लास 3 मैलक्लूजन या इम्पैक्टेड टीथ। ऐसे बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इन दांतों को ठीक करना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स यस। यदि आपके दांतों की फॉर्मेशन ठीक नहीं है तो आपको खाना चबाने में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही यदि आप ब्रशिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, दांतों की सफाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो दांतों में पायरिया की बीमारी लग सकती है या इनसे कैविटी भी हो सकती है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म में दांत आपस में घिस सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी भी हो सकती है। क्या इन्हें ठीक करना पॉसिबल है? ऑफ कोर्स यस। डेंटिस्ट्री की इस स्पेशल ब्रांच को हम ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। एनी टाइप ऑफ माल ऑक्लूजन कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स। किसी भी एज ग्रुप के लिए ये पॉसिबल है यदि आपके गम्स और बोन हेल्दी हैं। आइडियल एज हम 12 टू 15 ईयर्स लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें अर्ली ऑर्थोडोंटिक्स अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों के दूध के दांतों में स्पेसेस नहीं होती हैं, वहीं बड़े दांत एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें बच्चों को 7 से 8 साल की उम्र में ही डेंटिस्ट को दिखाना पड़ता है। यहाँ हम अर्ली ऑर्थोडोंटिक्स अप्लाई कर उनकी अर्ली शेप दांतों की और जबड़े की ठीक कर सकते हैं। इसके लिए डेंटिस्ट आपके दांतों को एग्जामिन करके ये डिसाइड करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना रहेगा। यदि दांतों में स्पेसेस नहीं हैं उनको मूव करने के लिए, तो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हमें कुछ दांत निकालने पड़ सकते हैं। तो वो कौन से दांत निकलेंगे और कितने निकलेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मैलक्लूजन रिमूवेबल अप्लायंस से ट्रीट हो सकता है या फिक्स्ड अप्लायंस से। रिमूवेबल अप्लायंसेज में आता है आपका ट्विन ब्लॉक अप्लायंस, हॉलीज अप्लायंस या टंग क्रिब अप्लायंस आता है। जिन बच्चों को थंब सकिंग की आदत होती है या टंग बहुत ज़्यादा उनकी स्ट्रांग होती है, उन लोगों में टंग क्रिब अप्लायंस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ ऑल्सो एन रिमूवेबल अप्लायंस। लास्टली, आजकल बहुत फेमस है अलाइनर्स। अलाइनर्स हम माइल्ड मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, सजेस्ट करते हैं। फिक्स्ड अप्लायंसेस में हमारे ब्रैकेट्स आते हैं, ट्रेडिशनल मेटल या सेरेमिक ब्रैकेट्स आते हैं या फिर सेल्फ लाइगेटिंग मेटल और सेरेमिक ब्रैकेट्स आते हैं। जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं एज कम्पेयर टू द सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स, उनमें एक इलास्टिक मॉड्यूल यूज़ होता है जो कि विद टाइम अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देता है और जल्दी ही अपनी एफिशिएंसी भी। वहीं आपका जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स आते हैं उनमें कोई इलास्टिक मॉड्यूल यूज नहीं होता है, इसी वजह से आपके विजिट्स भी कम लगते हैं, प्लस आपका जो ट्रीटमेंट है वो एक्सपेक्टेड टाइम से जल्दी ख़त्म होता है। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपोर्टर जी।